अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बेहद खुश होंगे। जी तो आज की जो रेसिपी है इसमें हम बनाएंगे दही चिकन। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और नहायत ही मुनासिब से अज़ा का इस्तेमाल करते हुए जो नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होते हैं हम ये रेसिपी बनाएंगे। जी तो बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, 200 ग्राम ऑयल है ये, ठीक है। और आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में ऑयल का यूज़ किया है, तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जी तो अब इसमें नेक्स्ट जो है वो ऐड कर देंगे प्याज, तकरीबन 750 ग्राम प्याज थे, ठीक है। और इन्हें मैंने क्या कर लिया, नॉर्मली चॉप कर लिया है, तो ये ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, ठीक है जी। तो हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, प्याज की ये लुक है, ये आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, तकरीबन 500 ग्राम हैं ये टमाटर, ये ऐड कर दिए हैं, इनको भी रफली कट किया है और ये ऐड कर दिए हैं। इसे भी तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ जी। तो 10 मिनट कुक करने के बाद ये थी लुक। अब नेक्स्ट जो है इसमें चिकन ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे मैं 2 किलो चिकन के अकॉर्डिंग जो है वो ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप 1 kg के अकॉर्डिंग करें तो जितने भी अज्जा हैं उनकी क्वांटिटी हाफ कर दें। अच्छा जी, अब इसे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करना है जी। तो 2 मिनट कुक करने के बाद अब नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, ये ऐड कर दिया। इसके साथ नेक्स्ट जो है वो रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का जो पाउडर है, ठीक है, उसे ऐड कर दिया है। तो आप ज़्यादा चेक कर लें और साथ साथ नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे नमक, तो ये नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे कुक करना है कवर करके, ठीक है जी। तो कवर करके इसे 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे जी। तो वो कुक हो रहा है 15 मिनट के लिए, तब तक क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही में ऐड करेंगे टिक्का मसाला, इसके साथ साथ नमक ऐड करेंगे, साबुत जीरा है और दड़ा मिर्च है, ठीक है, रेड चिली फ्लेक्स, इनको ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ऐड करने का मकसद ये है क्योंकि हम दही चिकन बना रहे हैं तो दही का फ्लेवर तो ऐड करना ही है। तो स्टार्टिंग में हमने इसे ऐड नहीं किया, पहले चिकन को थोड़ा सा कुक करेंगे, उसके बाद इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए एज इट इज़ ही रहने देंगे जी। तो 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को कुक करते, ये है जी चिकन की लुक। अब नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, इसे मीडियम फ्लेम पर मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक करना है। चिकन को सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स कर लें और इसके साथ साथ आपने इसे क्या करना है, 2 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, चिकन जो है वो कुक हो रहा है। ये है जी चिकन की लुक, आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त सा चिकन जो है हमारा तैयार हो रहा है। तो इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो अनियन है और इसके साथ साथ टमाटर जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ग्रेवी बन जाए, ठीक है जी। तो ये आप चेक कर सकते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे दही का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं उसे, तो 10 मिनट रखने का मकसद ये था कि दही में वो सभी फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से ऐड हो जाएं। तो अब इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस चिकन को मज़ीद 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, लेकिन आपने कवर करके कुक करना है, ठीक है। जो पहले 15 मिनट कुक करने हैं वो भी कवर करके कुक करना है और ये 10 मिनट जो हैं इनको भी आपने क्या करना है, कवर करके ही कुक करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से ऐड हो जाएँ चिकन में जी। तो 10 मिनट कुक करने के बाद ये है जी चिकन की लुक, ये आप चेक कर सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त सा चिकन जो है हमारा तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट डन है, ठीक है जी। तो करूँगी फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसके नेक्स्ट जो है मज़ीद अज्जा जो ऐड करने वाले हैं उन अज्जा को ऐड कर देंगे। तो ये फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, तो ये जी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया जो है उसकी बेस पे, आप जो है वो जिंजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट हरा धनिया जो है उसी का ही यूज़ किया है क्योंकि मिर्च जो थी उसकी क्वांटिटी ऑलरेडी बिल्कुल परफेक्ट थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसके टॉप पे एक और अज्जा जो है वो ऐड करेंगे जो इसको बड़ा ही क्रीमी सा लुक देता है,
और वो है जी दही और क्रीम, ठीक है। तो 2 चम्मच मैंने दही ली और इसी तरह 2 चम्मच जो है वो फ्रेश क्रीम ली और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया एंड देन ये ऐड कर दिया है टॉप से, ठीक है, क्योंकि दही चिकन बना रहे हैं तो उसकी लुक भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। तो ये है जी दही चिकन की लुक, अब आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब आप सर्विंग के टाइम पे करें ना, आपने उस टाइम पे ही ये दही और क्रीम का मिक्सचर जो है वो ऐड करना है, आपने पहले ऐड नहीं करना। मतलब आप बना के रख लें, अगर कोई दावत है तो जैसे ही मेहमान आए तो उस टाइम पे आप नेक्स्ट जो है इसे गर्म करें थोड़ा सा और उसके बाद क्रीम और नेक्स्ट ग्रीन चिली या फिर कोरिएंडर लीव से नेक्स्ट जो है इसे गार्निश कर सकते हैं जी। तो होप सो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन इसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जी। तो मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।